हाँ बच्चों, मैं डॉक्टर बीवी जेवनी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको। आप सभी बच्चे बीएससी पास फर्स्ट के हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस कैलकुलस, जो कि अपना पेपर सेकंड है। ठीक है, एडवांस कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। राइट, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस दो पार्ट है आपके। ठीक है, तो एक आपका जो सेकंड पेपर है उसमें आपकी 5 यूनिट होगी, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हर यूनिट में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अपन आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आज का अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा अपना पीटर इक्वेशन। पथिक समीकरण जिसको आप हिंदी बोलेंगे, ये चैप्टर का नाम है पथिक समीकरण। तो इसके बेसिक्स अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी भी कर्व की इक्वेशन सबसे पहले अपन कार्तिकीय रूप में देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। वक्र का कोई भी समीकरण है वो एक्स और वाई में होगा, एक्स और वाई। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा जो अपना है वो ध्रुवीय रूप कहलाता है, तो इसमें वक्र का समीकरण आर और थीटा में दिया जाता है, मींस आर इज फंक्शन ऑफ थीटा। राइट, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म से तो आप परिचित हैं, ये एक्सिस सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर यदि कोई कर्व है, इस पर कोई पी बिंदु है, इस पी बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई है। इसका सीधा सा मतलब है इस पर इसका परपेंडिकुलर ये इसका वाई कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट, और यहां से इसका परपेंडिकुलर वाई एक्स पर ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये इसका एक्स कहलाएगा। ठीक है, सॉरी, ये इसका एक्स कहलाएगा और ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की इसकी वाई कहलाएगी। तो इस तरीके से इस पॉइंट की जो पोजिशन है वो एक्स और वाई से दी जाती है, तो इसलिए इसको अपन कार्तीय के निर्देशांक बोलेंगे। तो ये पी एक्स वाई है, ये बिंदु के पी बिंदु के कार्तिक निर्देशांक है। राइट, तो इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, ध्रुवीय रूप में भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस पी बिंदु को। तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ ध्रुवीय रूप में इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं।
मान लीजिए कर्व पे ये कोई पी बिंदु है, ठीक है, एक कोई इनिशियल लाइन जिसको स्थिर रेखा बोलते हैं, जिसको अपन जनरली एक्स अक्ष में ले सकते हैं, तो जहां ये एक आपका पॉइंट है जो ध्रुव कहलाता है, तो इस बिंदु की लोकेशन के लिए अपन इस पॉइंट से इसको मिलाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से ओ और पी, ओ पी ये आपकी ध्रुवांतर रेखा कहलाती है, ध्रुवांतर रेखा, राइट। और ये जो ध्रुवांतर रेखा इस फिक्स लाइन से जो एंगल बनाती है, माना ये थीटा है, तो ये जो थीटा एंगल है ये क्या है, ये इनिशियल लाइन से ध्रुवांतर रेखा के द्वारा निर्मित कोण है, तो इसलिए इसको ध्रुवांतर कोण बोलते हैं, ध्रुवांतर कोण। अब इस पी बिंदु की जो स्थिति है वो इस यहां से स्पष्ट है कि यहां से लेकर के ये डिस्टेंस अपने को पता हो जाए, लेट अस सपोज दिस इज आर, तो ओपी जो ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है ये आर से अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, ठीक है, तो ये आर होगी और ये कोण आपका थीटा कोण हो गया। तो अब ये जो पी बिंदु के निर्देशांक है वो अपन दे देंगे इसमें आर और थीटा। तो ये जो कर्व की कर्व है इस इक्वेशन, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन अपन दे देंगे वक्र के समीकरण, वक्र का समीकरण आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, ये कोई कर्व का समीकरण हो गया। तो इस तरीके से ये जो है ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। तो पी बिंदु के, पी बिंदु आर और थीटा के इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ये क्या होगा, पी बिंदु के, पी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, राइट। तो अब हमने एक तरीके से कार्टेशियन फॉर्म भी देख ली और पोलर फॉर्म जिसको अपन ध्रुवीय समीकरण बोलते हैं वो दोनों अपन ने ये देख लिए, ये ओपी है, ये ध्रुवांतर कोण है, ये ध्रुवांतर रेखा जिसकी लंबाई आर है। अब हम इन इसमें ध्रुवांतर रेखा या कहें अपन ध्रुवीय समीकरण और कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्तिकीय समीकरण दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन किस किस में, एक तो कार्तिक के रूप में, कार्तिक कार्तीय एवं पोलर ध्रुवी ध्रुवीय रूपों में संबंध, ठीक है। तो अपन को पी बिंदु के निर्देशांक अपने को एक्स वाई दे रखे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, और यहां पी बिंदु के निर्देशांक आर और थीटा, ये दोनों से चीजों से आप परिचित हो चुके हैं, तो इसका मतलब अपने को दोनों से एक्सिस सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका कोई एक्सिस सिस्टम है ओ एक्स ओ वाई, राइट, यहां कोई पी बिंदु है, पी बिंदु जिसके निर्देशांक एक्स और वाई, अब इस पी बिंदु को अपन ने इससे मिला दिया, तो ये ओपी आपकी ध्रुवांतर रेखा होगी जिसकी लंबाई है आर, और इस ओपी द्वारा जो एक्स एक्सिस पे कोण अंतरित किया गया है वो है थीटा, ठीक। तो एक तरीके से इसके निर्देशांक एक्स वाई है, तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर के मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस पे एक्स एक्सिस पे, ये एम, ठीक है, तो ये ओपी एम जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से इसका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है वाई, और ये जो डिस्टेंस है ओ एम ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स डिस्टेंस होगी, ठीक। अब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका ओ पी एम समकोण त्रिभुज, ठीक। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो वाई की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो वाई क्या है आपका लंब है, ठीक है,
तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अपन यदि इसका ले लें इसमें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब y और कर्ण का मतलब r। तो इससे क्या है, निकल करके आया y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसी तरीके से अपन ये समकोण त्रिभुज में यदि cos थीटा ले लें, तो cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया x अपॉन r। इसका क्या मतलब निकल के आया, x कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, r cos थीटा। तो ये एक संबंध हो गया पी एक्स वाई में। ठीक है, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक, तो अब हम इनमें एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन तो आई गया अपना, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये रिलेशन आ गया अपने कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। ठीक, अब यदि इनको अपन वर्क करके जोड़ दें, स्क्वायर एंड वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन होता है, तो इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब ये एक्स वाई में और आर में रिलेशन क्या है, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, तो एक तो ये रिलेशन हो गया आपका, एक तो ये निर्देशांक हो गए, निर्देशांक रिलेशन, और ये फिर आपका आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका अंडर रूट हो गया। तो ये आपका इसमें डिस्टेंस रिलेशन हो गया एक तरीके से, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन हो गया। एक और रिलेशन डिफाइन करेंगे अपन, वो ये है कि यदि एक में और दो का भाग लगा दिया जाए, तो दो में एक का भाग लगा दें अपन, तो क्या आएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इसको इससे डिवाइड कर दें, तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या निकल के आएगा, कि आर से तो आर कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो गया। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो अभी आपने देखा था, मैंने आपको बना के दिया यहाँ पर, कि ये कोई पी बिंदु था, ये ध्रुवांतर रेखा हुई ओपी। ठीक है, ये आपका थीटा कोण था। राइट, तो अब आपके थीटा कोण आपको ज्ञात हो गया, थीटा कोण क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। राइट, और आर डिस्टेंस है इसकी, वो भी आपको पता होगी, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पर ये एक्स और वाई इसके निर्देशांक है। तो ये है हमारा कार्तीय एवं ध्रुवीय रूपों में आपस में संबंध इस तरीके से दिया जाता है। अंडरस्टूड, आप अच्छे से तरीके से इसको समझ जाइए। तो किसी को कोई क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अपना, ये जो ध्रुवांतर रेखा है और कोई जो कर्व है उसकी स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण है उसके बारे में पढ़ते हैं। ध्रुवांतर रेखा